हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास सिक्स की संस्कृत करवा रही हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पंचमह पाठा, मतलब पांच पाठ, पाठ पांच। विद्या महिमा, विद्या की महिमा है ना। इसमें ये श्लोक दिए हुए हैं, आठ श्लोक दिए हैं। मैं आपको ये श्लोक पढ़ूंगी और श्लोक पढ़ पढ़ के इसका मीनिंग समझाऊंगी आपको। ये जो श्लोक मैं पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, इसको आपको कॉपी में भी लिखना है और इस श्लोकों को याद भी करना है। इसमें से दो श्लोक आपको लिखने हैं, श्लोक और श्लोक के अर्थ तो मैं आपको पूरे लिखने हैं, मगर श्लोक दो आप कोई से भी दो याद करके और अपनी कॉपी में लिखनी है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। विद्या ददाति विनय विनयादि पत्राम पत्रात्वाद धनमाप्नोति धनाद धर्म तत् सुखम। विद्या क्या देती है? विद्या विनय देती है। विनय मतलब विनम्रता लाती है हमारे अंदर, और विनम्रता हमारे अंदर क्या लाती है? योग्यता लाती है ना। विनय हमें योग्यता देती है, और योग्यता से क्या प्राप्त होती है? योग्यता मतलब कुछ करना, जैसे अपने अपने अंदर मतलब जैसे ज्ञान का हासिल करना। और योग्यता से क्या, जैसे हमने अच्छी पढ़ाई कर ली और अच्छे डिवीजन से पास होकर निकल गए, या हम ट्वेल्थ पास कर गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो योग्यता हमें क्या देती है? धन प्राप्त कराती है। हम एक बार हमने पढ़ाई कर ली, अच्छी पूरी कंप्लीट कर ली पढ़ाई, तो हमें क्या जॉब लग जाएगी। जॉब लगने से हमें क्या मिलेगा? धन प्राप्त हो जाएगा, है ना। योग्यता हमें क्या देती है? धन प्राप्त कराती है। और धन से हमें क्या मिलता है? धर्म, है ना। धन जब हमारे पास आता है तो हम धर्म के कार्य करना चालू कर देते हैं, और धर्म से क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है ना। तो धर्म जब हमारे पास, हम जब धर्म के कार्य करना चालू करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति मिलती है। फिर सेकंड है, विदेशु धन विद्या वैश्नेशु धन मति परलोके धन धर्म सील सर्वत्र वे धनम। इसमें बताया है विदेश में विद्या ही धन है, विदेशों में विद्या को ही धन माना जाता है। वैसन में बुद्धि ही धन देती है, वैसन जो वैसन जो होती है उसमें बुद्धि ही धन देती है। परलोक में धर्म ही धन होता है। परलोक मतलब जो भगवान के पास हम बताते हैं ना, तो वहां जाने पर हमें क्या मिलता है? परलोक में धन ही, हमारे धर्म कार्य ही हमारे धन का काम करती है, और आचरण सर्वत्र धन होता है। और हमारा आचरण किस तरीके का है, वही हमारा असली धन होता है। फिर है, सुंदरोपि सुशीलपि कुलीनपि महाधनम शोभते न विद्या विबिना विद्या विद्या सर्वत्र भूषणम। सुंदर होते हुए भी, सुशील होते हुए भी, और कुलीन होते हुए भी, मतलब हम चाहे सुंदर हो, सुशील हो या कुलीन हो, बहुत धनवान होते हुए भी, है ना, अगर हमारे पास बहुत पैसे हुए होते हुए भी, बिना विद्या के, अगर मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुशील हूँ, बहुत कुलीन हूँ, बहुत धनवान हूँ, मगर अगर मेरे पास विद्या नहीं है, तो हमें कोई भी, मतलब हम शोभित नहीं हो सकते हैं, मतलब कोई भी शोभित नहीं हो सकता। कोई भी, विद्या एक आभूषण के समान होता है। कैसे? विद्या सभी जगह आभूषण का रूप माना जाता है। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनाम धनम तथा निर्बलान बलम विद्या साधनीय प्रयत्नातः। विद्या कुरूप को का रूप है, मतलब विद्या अगर हासिल कर ली हमने तो कुरूप व्यक्ति का भी मतलब रूप निखर आता है, क्योंकि कुरूप व्यक्ति भी अगर उसने विद्या हासिल कर ली है तो उसे कोई कुरूप नहीं कहेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भंडार है। निर्धन के लिए धन है, मतलब जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, अगर उसने पढ़ाई कर ली तो उसके लिए वो धन के कार्य करती है। निर्बल का बल है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति ने भी पढ़ाई अच्छे से कर ली है तो वो उसके पास बल का काम कौन करता है? विद्या। इसलिए विद्या की प्रयत्न पूर्वक साधना करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विद्या हमेशा हासिल करने का, मतलब हमेशा हमें विद्या हासिल करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। विद्वता च ने प्रत्वा च नेव तुल्य कदाचन स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की विद्वता तथा राजा की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए, मतलब विद्वान व्यक्ति और राजा की कभी तुलना नहीं करनी चाहिए।
राजा तो अपने देश में ही पूजा करता है, मतलब राजा जो होता है सिर्फ अपने देश की रक्षा, देश की पूजा करता है, लेकिन मतलब जो राजा होता है उसकी सिर्फ उसके देश के लोग ही उसकी पूजा करते हैं, मगर विद्वान जो व्यक्ति होता है उसकी पूजा सभी जगह की जाती है, मतलब विद्वान की तो सभी जगह पूजा की जाती है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, मतलब आलसी व्यक्ति जो होता है उसके पास विद्या नहीं होती, विद्या कहाँ होती है, और विद्याहीन को विद्या कहाँ, जो विद्याहीन मतलब जो पढ़ा अनपढ़ होता है उसके पास भी विद्या नहीं होती है। धनहीन को मित्र का सुख नहीं है ना, मतलब जो धनहीन व्यक्ति होता है उसको मित्र का सुख नहीं मिलता, तथा मित्रहीन को सुख कहाँ, और जो मित्रहीन होता है उसको सुख हासिल नहीं होता है। फिर है नेक्स्ट है पुस्तक स्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या नाता तत धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या, पराये हाथों में दिया हुआ धन समय आने पर काम नहीं आता। जैसे आपके बुक में ये जो लिखा हुआ है ये ज्ञान की बातें, ये अगर से बुक में ही रह जाए, अगर आप पढ़ाई ना करें इसे ना समझें तो किस मतलब का। उसी तरीके से हमने अपना जैसे धन किसी उठा के किसी के हाथ में रख दिया और बाय चांस हमें उस धन की आवश्यकता पड़े तो वो हमारे किसी काम नहीं आती, क्योंकि सामने वाला उस समय पे लौटाता ही नहीं है हमें। की कुलेन विशालेन विद्याहीनस देहिने कुलेनोपि विद्यावान देवी देवेरपि च पूजते। कुल के जन्म लेने वाला, कुल जो कुल मतलब अपने अपने कुल में जन्म लेने वाला अगर विद्याहीन है, उच्च मतलब उच्च कुल में जन्म लेने वाला अगर विद्याहीन है तो वह अपूजनीय है। जैसे कि एक पंडित के घर में पैदा होकर अगर उसने मतलब विद्या का हासिल नहीं किया तो उसको पंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने वेद ही नहीं पढ़ा है तो पंडित काय का। और यदि नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान है, मतलब नीची जाति का व्यक्ति है और अगर उसने पढ़ाई की है और विद्या हासिल की है, चाहे वेद पाठ पढ़ा है, तो वह देवों को की भी तरह पूजे, मतलब देवताओं की तरह उसे पूजा जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड करूंगी। आपको पहले इसमें दो श्लोक आपको लिखने हैं याद करके, कोई से भी दो आपको याद करके खुद से लिखने हैं, और इसके अर्थ भी लिखने हैं, और फिर इसके शब्दार्थ और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, आपको लिखने हैं। थैंक यू।